पूरी तरह से हम लोगों की तैयारी ये है कि जनता के लिए काम करना है। हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी का दूसरे के लिए छोड़िए, किसी और दल के लिए छोड़िए, अपने दल के लिए भी प्रधानमंत्री जी का एक ही शब्द रहता है कि अगर आपके पास जनता की सेवा करने के लिए समय नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, किसी और को मौका दीजिए। तो जैसे हम लोग आए थे आजमगढ़ में और हमने कहा था कि आप प्रतिनिधि बन जाते हैं और आपके पास समय नहीं आजमगढ़ के लिए तो आप छोड़ दीजिए, दूसरे को मौका दीजिए, तो उन्होंने दूसरे को मौका दिया। हम लोग आजमगढ़ में रह के काम कर रहे हैं और आगे अगर हम काम नहीं कर पाए या हमारे पास समय नहीं तो हम खुद ही छोड़ देंगे कि भाई किसी जिसके पास टाइम है वो आके करे, क्योंकि या तो आप जिम्मेदारी लीजिए मत और जिम्मेदारी लेते हैं तो जिम्मेदारी निभाइए। सर, टिकट को लेके काफी सवाल उठा है कि 2024 में आपका भी टिकट काटा जा रहा है, टिकट कट सकता है, तो इसको लेके तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि देखिए, जो भी व्यक्ति अच्छा काम करे उसको काम करना चाहिए। जिम्मेदारी लेना बड़ी बात नहीं है, जिम्मेदारी निभाना बड़ी बात होती है। तो अगर आज मुझे जिम्मेदारी मिली है, मेरी जितनी क्षमता है मैं निभा रहा हूँ, आगे जिसे जिम्मेदारी मिलेगी वो निभाएगा और ये जनता तय करती है कि उसको कौन चाहिए। अगर जनता को लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो वो मुझे चुनेगी। जनता को लगता है कि मैं उनके लायक नहीं हूँ, मैं उनके उम्मीद पे खरा नहीं उतर रहा हूँ, तो वो अपने आप बदल देगी मुझे। सर, हवाई उड़ान कब तक संभव होगा? हवाई उड़ान जल्दी संभव हो जाएगा, क्योंकि DGCA की जो जाँच कमेटी आने वाली है वो जैसे आकर के लाइसेंस देगी हवाई उड़ान शुरू हो जाएगी।